channel, my name is Meenakshi and this vlog is in the continuation of the Spiti circuit and today I am at Manali. So we reached Manali yesterday at 8 PM. हम बहुत आराम से उठे हैं क्योंकि बाकी सारे दिन हम लोगों ने बहुत रश बहुत जल्दीबाजी में ट्रैवल 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 करते रहे सुबह 4-4 बजे उठ के. सो फॉर नाउ फॉर टुडे वी आर एट मनाली एंड टुडे इज डे 7 ऑफ आर 7 डे ट्रिप. सो आज लास्ट डे है, मन नहीं कर रहा घर जाने का, बट क्या करें, जाना तो पड़ता ही है ताकि अगली बार भी आई एम. सो इट्स द डे 7 ऑफ आवर ट्रिप एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मनाली. आज हम मनाली में ही थोड़ा चिल करेंगे, दिन भर घूमेंगे. टुमारो मॉर्निंग विल गो बैक टू देहरादून. ब्लॉग देखते रहना, आपको पता चल जाएगा कि हम आगे क्या क्या करने वाला है. सो फॉर नाउ आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू माई रूम माई होटल. गाइज चेक आउट द व्यू, पीछे आप देखो एप्पल के गार्डन है और एप्पल्स लगे हुए यहाँ पे एंड दिस इज आवर रूम, ये हमारा बेड है और यहाँ से बाहर है बालकनी. So the balcony looks like this. सामने आप जो बर्फीले पहाड़ देख रहे हो वो रोहतांग के पीछे के पहाड़ दिखते हैं और ये सुंदर सा नज़ारा हमें यहाँ मिलते हुए. एंड दिस इज मी गाइज, दिस इज सेकेंड रूम. ठीक है, ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको. ये देखो यहाँ से व्यू मनाली के घरों का, सुंदर सुंदर व्यू सामने लगे हैं. एप्पल का इतना बड़ा गार्डन है, ये बेड है. सो गाइज ये है हमारा 3 बेडरूम्स का सेट. 1 रूम इज दिस, अनदर वन इज दैट एंड 3rd 1 इज देयर एंड दिस इज द हॉल. सामने लगा है डाइनिंग टेबल और लास्ट टाइम भी हम आए थे तो नीचे वाले फ्लोर में भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था डाइनिंग का. और ये सामने का व्यू है बालकनी, इट लुक्स लाइक दिस. बाकी इसका नाम एंड डिटेल्स आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर एंड देन यू कैन बुक योर रूम्स इफ यू वांट टू. हमारा प्लान जो था पहले कि हम कैफे जाएंगे, विल हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, बट यहाँ के जो भी कैफेज हैं, जो अच्छे अच्छे कैफेज हैं, वो सब दिन के बाद खुलते हैं और इसीलिए हम पहले जा रहे हैं अंजनी महादेव विच इज इन सोलंग वैली, अ वेरी फेमस स्पॉट. वहाँ पे भगवान जी का शिवलिंग है. दिसंबर व्लॉग, दिसंबर में जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ी हुई थी और ये पूरा एरिया एकदम वाइट हो रखा था एंड नाउ इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. मैं वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ कि वही मनाली है जो बर्फ में था. नाउ इट्स ऑल ग्रीन एंड मोर ब्यूटिफुल. बर्फ का अपना व्यू है, ग्रीनरी का अपना व्यू है एंड दिस इज द वे टू अंजनी महादेव. और हम यहीं से जाने वाले हैं, अभी ऊपर जा रहे हैं हम. यहाँ से ट्रैक भी है बट वी आर ट्राइंग टू टेक आवर बाइक्स, रोड थोड़ी खराब है बट आई थिंक वी कैन मेक इट क्योंकि कल के एडवेंचर्स के बाद ये रोड तो कुछ भी नहीं है. चलो चलते हैं आगे. गाइस ये ATP बाइक्स भी रखी हैं यहाँ पर, लोग इससे भी जाते हैं. सामने देखो आप, वो लोग उस वाली बाइक से आ रहे हैं और हम अपनी वाली बाइक से जा रहे हैं. लेट्स चेक आउट कैसा है रोड, चलिए महादेव के दर्शन करने. यहाँ पर ना जैसे सिर पे बाल होंगे थोड़े से, जैसे हाँ हाँ थोड़े से यहाँ पे अच्छे मौज कर दी. और ऊपर देखो आप पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ पर, गाड़ियाँ खड़ी कर दी है हमने और हम पैदल जाएंगे. सो गाइस वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रैक टू अंजनी महादेव. हेलमेट मैंने हाथ पकड़ा हुआ है और ये मेरे सामने का व्यू दिख रहा है, मनाली में हरे भरा हो रखा है बिल्कुल. लास्ट टाइम सोलंग वैली जब हम आए थे नीचे तक ही पहुँचे थे, ऊपर नहीं गए. उस दिन भी हमें देर हो रही थी बट आज हमारे फर्स्ट टाइम है इसलिए आज हम पूरा ऊपर तक जा रहे हैं. आई डोंट नो हाउ फार इट इज बट लेट्स फाइंड आउट. एंड ये बड़ी खतरनाक चलाते हैं. वाइब्रेटर मसाज जाती होगी इसमें अच्छी खासी.
गाइस काफ़ी ऊपर चलने के बाद आई थिंक 1 किलोमीटर्स नीचे से चले थे हम, एंड मंदिर वो है उधर ऊपर सामने पे, ये देखो दूर से ये ऐसा है। अब हम जा रहे हैं मंदिर के पास, पानी ग्लेशियर का पानी आ रहा है, आवाज़ से पता चल रहा है कितना तेज़ बहाव है। ट्रैकिंग फॉर 30 to 40 मिनट्स के बीच में का ये ट्रैक है सोलंग वैली से नीचे ऊपर तक का, और मेरे पीछे अभी स्टेयर्स जा रही हैं जो वहाँ से है रास्ता शिवलिंग का, शिवलिंग ऊपर है, और ये छोटा सा होम स्टे है जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं जो मंदिर को देखभाल करते हैं वो लोग रहते हैं यहाँ पर। और मेरे सामने इस तरफ आ रहे बहुत सुंदर व्यू, और व्यू में कुछ लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं, यहाँ पर व्यू मिलते ही लोग को फ़ोटो खिंचाने की है। और ये त्रिशूल है यहाँ पे एक बड़ा सा, और इसमें डमरू भी लगा हुआ है। शिवलिंग के लिए मैं स्टेयर्स और चढ़ना है, और बस अभी चलो आपको ऊपर शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। हम यहाँ पे हम लोगों को शूज़ खोल, और यहाँ पे एक बहुत सुनहरा सा झरना जिसके छींटे हमें तरोताज़ा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ऊपर से हम पर गिर रहे हैं। दिस प्लेस लुक सो सीरीन पीसफुल एंड सो डिफरेंट फ्रॉम अदर टेम्पल्स दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ। एंड अभी हम शिवलिंग में हैं। जय बजरंग बली। अंजनी हनुमान जी की मम्मी का नाम था अंजनी पुत्र, और उन्हीं के नाम पर ये टेंपल है। हनुमान जी की महादेव का रूप है। एंड गाइस जब विंटर्स में यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो ऊपर से झरना आ रहा है, ये आइस बनकर जब नीचे शिवलिंग पे गिरता है तो एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग आ जाता है, जिसकी फ़ोटो आपने सोशल मीडिया पे और गूगल पे देखी होगी। जो शिवलिंग दिखता है प्रॉपर बर्फ़ वाला, वो स्नोफॉल के टाइम पे भी देखा जाता है यहाँ पर, और यहाँ तक पूरी बर्फ़ होती है। लाइक लास्ट टाइम हम आए थे उस टाइम यहाँ तक पहुँच ही पाई, बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। नहा लेते हैं यहाँ पे। शाबाश। अंजनी महादेव से निकलने के बाद थोड़ा सा आगे आके हम पहुंच चुके हैं अटल टनल पे। कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने आपको अटल टनल का बैक वाला साइड दिखाया था, चंद्रताल से लौटते हुए मैंने आपको इसकी दूसरी एंट्री दिखाई थी, और मनाली से इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से दिखती है। ग्रैंड एंट्री है इसकी यहाँ से, एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी और नॉट, एंड इट लुक्स सो गुड। पीछे का व्यू देखो आप, एंड दिस टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल, and this is 9 kilometers long। hey guys welcome back, so right now I'm standing at johnson's cafe। hum log yahan pe karenge breakfast lunch dinner, i don't know, brunch ka time to raha nahi, sham ho gayi hai, it's 5 pm right now।
हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे एंड आफ्टर दैट विल गो टू द मॉल रोड, विल डू सम शॉपिंग. गाइस द लोकेशन ऑफ दिस कैफे इज द ऑपोजिट साइड ऑफ द मॉल रोड एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा. सो दे हैव देयर ओन होटल एज वेल बगल में एंड दिस इज द कैफे. यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चलता है 7 PM onwards and the timing for the cafe is 2 PM onwards. So make sure that whenever you visit, you come after 2 PM and this is the entry. It's like this. It's a very good place. यहाँ पे इनके stay. I think यहाँ पे stay का भी है hotel. And this is the cafe view. चलो let's have some food. तो हम इस कैफे में पिछले 1 घंटे से ऊपर हो गया और हमें ताज़ा वाला सीन हुआ. वहाँ पे भी हिमालयन कैफे में सेम थिंग हैपेंड. वी रिसीव्ड आवर फूड आफ्टर 2 आवर्स ऑफ वेटिंग और यहाँ पे भी यही सीन है. सो अभी हमने खाया है पिज्ज़ा और अभी पास्ता आया है, स्पेगेटी रेड सॉस पास्ता. सुबह से भूख है, भूख में तो वेट करना भी चेहरे लगता है. भूख सह सकते हो तो आ जाओ. सो अब हमारी आई है फोर्ट बेस. दिस इज लैम एंड आई हैवंट ट्राइड इट इन माय लाइफ. अभी तक मैंने नहीं खाई, मेरा फर्स्ट ट्राई है. मेरी मम्मी ये वीडियो देख के मुझे बहुत मारने वाली है, मुझे पता है. और ये हमारी वेजिटेरियन है फ्रेंड, अच्छी बच्ची. हम बिगड़ चुके हैं नॉनवेज खा के. ये मंगाया था मुझे हमारे नॉन वेजिटेरियन दोस्तों ने. अब ये बताएंगे कैसा बना. इससे पहले जब हम कैफे में थे वहाँ का खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो हमारा पेट तो भरा नहीं. सुबह से हम भूखे थे. मॉल रोड आ गए, अभी थोड़ा घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत और उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे अपने रूम पर. आज का डे जो था इट वॉज अ फुल चिल आउट डे क्योंकि इतने दिनों से हम लोग रोज़ ट्रैवल कर रहे थे. एंड आई होप कि आपको सारी वीडियोज़ अब तक की पसंद आई हूँ. सो गाइज दिस वॉज इट फॉर माई स्पीति ट्रिप एंड आई होप कि आपको सारे एपिसोड्स पसंद आए होंगे. एंड दिस ट्रिप विल ऑलवेज बी माई फेवरेट वन. हम लोगों ने इतना सारा एडवेंचर किया, इतनी सारी मेमोरीज लेके जा रहे हैं यहाँ से. एंड आई होप कि मैंने जितना हो सकता है उतना आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश की हो एंड यू लाइक ऑल द एपिसोड. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन अनदर ट्रिप. एक नई जर्नी पे लेके चलेंगे आपको. तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड.